नीमच में धर्म परिवर्तन को लेकर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने शादी के नाम पर युवती का धर्म बदलवाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर और उसके बाद न्यायालय में पेश किया है। नीमच में धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने, मारपीट करने और यौन शोषण करने का एक सनसनीखेज मामला आया है, जिसमें नीमच पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन की विभिन्न धाराओं सहित मारपीट करने, षड्यंत्र रचने और धमकी देने की धाराओं में मुख्य तौर पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं उनके सहयोगियों के खिलाफ भी पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि पीरूपुरु में उसकी शादी झांसी में हुई थी, लेकिन पति से अनबन होने के बाद वे अपनी माँ के पास नीमच आ गई। माँ की मौत के बाद वे रोजगार की तलाश कर रही थी, इसी दौरान उसकी मुलाकात शहर के ढपाली मोहल्ला निवासी युवक फरदीन पिता नासिर अली से हुई। इसके बाद दोनों के बीच मेलजोल बढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन दोनों अल्पसंख्यक समुदाय होने के बाद अलग अलग धर्म को मानने वाले थे और दोनों ने साथ रहने का वादा किया और निम्बाड़ा जाकर पति पत्नी की तरह रहने लगे। यह खबर फरदीन के परिवार को लगी तो फरदीन की मां नाजनीन ने दोनों को नीमच बुलाया। इस दौरान पीड़ित युवती ने स्पष्ट किया है कि वे शादी जरूर कर रही है लेकिन अपना धर्म नहीं बदलेगी, मगर शादी करने के नाम पर फरदीन और उसके परिवार के सदस्य धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने लगे। युवती ने जब इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई, उसके विचार परिवर्तन का प्रयास किया गया। युवती के इनकार पर प्रताड़ना दी जाने लगी, जिस पर युवती ने महिला पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की। युवती की शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले फरदीन पिता गुड्डू अली, नासिर अली नाजनीन पिता गुड्डू व अफरोज पति यूसुफ निवासी ढपाली मोहल्ला नीमच के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 में मामला दर्ज किया है। एक पीड़ित महिला जो ईसाई धर्मावली मिली थी, वो हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सूरज कुमार वर्मा साहब से मिली और उसने अपनी व्यथा बताई कि वो पूर्व में अपने पति से डाइवोर्स हो गया है और उसके बाद वो एक मुस्लिम परिवार में 1.5 साल से विवाहिता पत्नी की तरह रह रही है, लेकिन उनका विधिवत विवाह नहीं हुआ है और उसके परिवारजन जो है उसको मारती पीट के और उसको मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। साहब ने तत्काल महिला थाने भेजा उसको और महिला थाने में उसकी विधिवत प्रथम सूचना लिखी गई और जो आरोपी है फरदीन और नाजनीन अफरोज, इन चारों लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। जो संबंधित सबूत जुटाए जा चुके हैं माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर कठोर दंड के लिए